एक साधारण सी आदिवासी लड़की जो बाल विवाह की कुप्रथा का शिकार होकर पहले तो दैहिक शोषण के भयानक भंवर में जा गिरी। इसके बाद ससुराल और मायके की उपेक्षा ने उसे सभ्य समाज के उन तमाम पैतरों का अच्छी तरह अनुभव करा दिया जिसकी आड़ में समाज हर रोज मानवता का गला घोटता है। अपनी जिंदगी की कड़ी धूप में उसे छांव का एहसास शायद ही कभी हुआ हो। बिरादरी के दंभ ने उस पर इतने अत्याचार किए कि उस कड़ी धूप में उसके शरीर से पसीना नहीं बल्कि लहू बहा करता था, और जब उसकी सहन शक्ति जवाब दे गई तो उसने भी बंदूक उठाकर रक्त की नदियां बहा दी। हम बात कर रहे हैं अपने समय की खतरनाक दस्यु सुंदरी फूलन देवी की। दोस्तों, बैंडिट क्वीन फूलन देवी के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा, लेकिन क्या आपको ये मालूम है कि कैसे एक साधारण सी लड़की फूलन देवी बन गई, और क्यों फूलन देवी ने 22 राजपूतों को एक लाइन में खड़ा करके उन सभी की हत्या कर दी। इतना ही नहीं, दिल दहला देने वाले सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि किस तरह फूलन देवी के साथ 300 से भी ज्यादा बार बलात्कार किया गया। और ये सब तो कुछ भी नहीं, फूलन देवी की जिंदगी में ऐसा बहुत कुछ घटित हुआ है जिसके बारे में सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि कौन है फूलन देवी और क्या थी उसकी जिंदगी, कैसे एक आम सी लड़की खूंखार डाकू बनी और देश की संसद तक पहुंच गई। हमारे आज के वीडियो में आखिर तक बने रहेगा क्योंकि आज हम लेकर आए हैं उसके जीवन के कुछ अनछुए पहलू। फूलन देवी की कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के जालौन जिले से, जहां गोरहा का पूर्वा नाम का एक छोटा सा गांव है। ये गांव फूलन देवी की वजह से जितना प्रसिद्ध हुआ उसके पहले उतना ही गुमनाम हुआ। इस गांव के एक मल्हा परिवार में साल 1963 में फूलन देवी का जन्म हुआ। फूलन के पिता देवी दिन मल्हा के परिवार में उनकी पत्नी के अलावा 4 बच्चे थे, जिनमें 2 लड़के और 2 लड़कियां शामिल थी। सभी भाई बहनों में फूलन सबसे छोटी थी। देवी दिन मल्हा के पास जमीन का एक छोटा सा हिस्सा था जिस पर वह खेती करते थे, साथ ही साथ वह नाव भी चलाते थे, और इन्हीं दोनों चीजों से वह अपने परिवार का पालन पोषण किया करते थे। फूलन देवी जिस बिरादरी से आती है उस बिरादरी में भी उनका परिवार गरीब से भी ज्यादा गरीबी वाली स्थिति में था, लेकिन गरीबी के आलम में रहने के बावजूद भी फूलन देवी बिल्कुल भी शांत स्वभाव की नहीं थी। जब कभी भी ये कोई गलत चीज देखती थी तो उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए खड़ी हो जाती, फिर चाहे वह ऊंची जाति के लोग हो या फिर उनकी जाति के लोग। फूलन सभी को अपनी लोकल भाषा में खरी खोटी सुना दिया करती थी, मौका मिले तो लड़ने भी लगती थी, यहाँ तक कि मारपीट की नौबत आ जाए तब भी वह पीछे नहीं हटती थी। फूलन देवी के पिता के पास जो जमीन थी उसके कुछ हिस्से पर उसके चाचा ने कब्जा कर रखा था। फूलन के घर में आए दिन उसकी शिकायतें आती रहती थी क्योंकि वह घर के बाहर लड़कों से झगड़ा करती थी, या फिर यूं कहे कि अगर कोई उसे परेशान करता तो वो चुप नहीं बैठती थी बल्कि ईंट का जवाब पत्थर से देती थी। आगे चलकर फूलन देवी के चाचा जमीन के टुकड़े के लिए उनके परिवार को बहुत ज्यादा परेशान करने लगे। इसके जवाब में केवल फूलन देवी ही डट कर खड़ी रहती थी। वह अपने पिता से भी ऐसा करने को कहती थी, हालांकि इसे लेकर पिता और पुत्री में झगड़े हुआ करते थे। गुस्से में आकर पिता ने फूलन का विवाह एक दूसरे गांव में पुत्तीलाल नाम के आदमी से कर दिया, जो फूलन से उम्र में 3 गुना ज्यादा बड़ा था। तब फूलन की उम्र महज 11 साल थी और उस समय उसके पति की उम्र 35 साल थी। ये एक तरह का ऐसा कस्टम था जिसमें लड़की की शादी कम उम्र में कर दी जाती थी, लेकिन गौना बालिक होने पर किया जाता था। यानी लड़की को ससुराल तभी भेजा जाता था जब वो बालिक हो जाती थी और घर परिवार संभालने लायक हो जाती थी। लेकिन कहते हैं कि फूलन देवी के पिता ने उसका गौना नहीं था, उसके बावजूद पुत्तीलाल ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और उसका बलात्कार किया। हालांकि तब वो उन संबंधों का मतलब भी नहीं समझती थी और तब उसे इन संबंधों के लिए मजबूर किया गया। इसके अलावा भी फूलन देवी के मायके वाले अक्सर फूलन को बिना गौने के ही ससुराल भेज दिया करते थे, जहां उसका शारीरिक शोषण होता था, और वो वहां से बार बार भागकर वापस अपने मायके में आ जाती थी। ससुराल से फूलन के बार बार वापस आने से उसके पिता परेशान हो गए थे, मगर उन्हें अपनी बेटी की परेशानी नजर नहीं आती थी। एक बार जब फूलन अपने ससुराल से भागकर वापस आई तो उसके पिता ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी कि फूलन मारपीट करती है और उसने सोने की अंगूठी चुराई है।
पिता की शिकायत पर पुलिस ने फूलन को अरेस्ट करके उसे लॉकअप में बंद कर दिया था। 3 दिन तक लॉकअप में रहने के बाद कहा जाता है कि थाने के स्टाफ ने भी फूलन के साथ बलात्कार किया। जेल से वापस आने के बाद फूलन के पिता ने उसे ससुराल भेज दिया। वहां जाने पर पता चलता है कि उसके पति पुत्तीलाल ने दूसरी शादी कर ली है और उसके ससुराल वाले फिर से फूलन के साथ मारपीट करते हैं। इसके बाद फूलन को सारे सामान के साथ उसके मायके भेज देते हैं और अब फूलन ससुराल से भी लगभग अलग हो चुकी थी। फूलन के पिता भी उसका साथ नहीं दे रहे थे। अपने घर परिवार का ऐसा व्यवहार और पुलिस थाने में जो कुछ फूलन के साथ हुआ, इन तमाम बातों ने उसे भीतर से बागी बना दिया। इसके बाद फूलन का संपर्क कुछ ऐसे अनजान अजनबी लोगों के साथ हुआ जिन्होंने उसे एक अलग ही रास्ते पर चलने के लिए मजबूर कर दिया। फूलन के संपर्क में आए ये लोग मल्लाह जाति से ही थे मगर चंबल के भेड़ों में सक्रिय डाकू के संपर्क में थे और उनके लिए काम किया करते थे। एक दिन अचानक फूलन गायब हो गए और चंबल के भेड़ों में पहुंच गए। चंबल के भेड़ों ने फूलन देवी को बाबू गोजर गैंग में पहुंचा दिया। इस गैंग में बाबू गोजर के बाद विक्रम मल्लाह का नंबर आता है। विक्रम मल्लाह फूलन देवी की जाति से ही था और उसे फूलन की कहानी मालूम थी, इसलिए उसके मन में फूलन के लिए कुछ कोमल भावनाएं थी। लेकिन बाबू गोजर की गिद्ध जैसी नजर फूलन देवी के ऊपर थी। एक रात जब वह फूलन देवी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था तब वहां विक्रम मल्लाह पहुंच गया। फिर उन दोनों के बीच झगड़ा हुआ और फाइनली विक्रम मल्लाह ने बाबू गोजर को जान से मार दिया। हालांकि विक्रम मल्लाह पहले से शादीशुदा था लेकिन इस गैंग में अब वही लीडर था और फूलन उसके साथ थी। दोनों के प्यार के चर्चे मशहूर होने लगे। विक्रम मल्लाह ने फूलन देवी को राइफल चलाना सिखाया। एक डाकू क्या होता है, उसकी जिंदगी क्या होती है, उसके चैलेंजेस क्या होते हैं, कैसे सरवाइव करते हैं, ये सारी बातें फूलन को विक्रम मल्लाह ने सिखाई। इसके बाद वह लोग छोटी मोटी किडनैपिंग, रोड रोबरी जैसे काम करके पैसे कमाते थे और इसी तरीके से अपनी जिंदगी गुजारते थे। एक दिन फूलन देवी विक्रम मल्लाह और अपनी गैंग के साथ अपने ससुराल यानी कि पुत्तीलाल के घर पहुंचती है। वो अपने पति को गांव के चौराहे पर लाकर बुरी तरह मारती है और उसे अधमरा करके छोड़ देती है। बाद में उस गांव में वो एक धमकी भरा नोट छोड़ती है जिसमें लिखा होता है कि अगर गांव के किसी भी अधेड़ बुजुर्ग मर्द ने किसी छोटी बच्ची से शादी की तो फूलन देवी उसे गोली मार देगी। बाबू गोजर के गैंग में सभी जाति के लोग थे लेकिन इस गैंग में राजपूतों का वर्चस्व था। इसी गैंग के दो लोग श्री राम और लाला राम पुलिस के हत्थे चढ़ गए थे और जेल में थे। जब वो जेल से छूटकर आए तो उन्हें ये पता चला कि विक्रम मल्लाह ने फूलन देवी के चक्कर में सरदार को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी है। इस बात का बदला लेने के लिए इन दोनों ने गैंग में जाति के आधार पर दरार डाल दी। फाइनली राजपूत जाति के ज्यादातर लोग एक तरफ हो गए, गैंग में मल्लाह जाति के लोग कम थे और उन लोगों ने विक्रम मल्लाह का साथ दिया। इसके बाद दोनों ग्रुपों के बीच जबरदस्त लड़ाई हुई। उस लड़ाई में विक्रम मल्लाह मारा गया। श्री राम और लाला राम फूलन को उठाकर यूपी में अपने गांव बेहमई ले गए। यहां उन्होंने फूलन को एक कमरे में बंद कर दिया और बारी बारी से लगातार 3 हफ्ते तक कई दर्जनों लोगों ने फूलन के साथ बलात्कार किया। उसी गांव में एक मल्लाह जाति का व्यक्ति रहता था। उसे ये बात पता चली कि फूलन की हालत बेहद खराब है। फूलन के साथ ही विक्रम मल्लाह गैंग के 2 साथी और थे। उन लोगों की मदद से फूलन देवी को वहां से निकाल दिया गया और ठाकुरों को भनक तक नहीं लगी। ये लोग फूलन देवी को लेकर एक बार फिर चंबल के भेड़ों में आ गए। ये सभी मल्लाह जाति के लोगों को इकट्ठा करके एक नया गैंग बनाते हैं। इस मल्लाह गैंग के लीडर खुद फूलन देवी बनती है जो फूलन देवी को राजपूतों से बचाकर लाया था। इसका नाम था मानसिंह और अब फूलन देवी की जिंदगी में विक्रम मल्लाह की जगह मानसिंह ने ले ली। ये लोग छोटी मोटी रोबरी करते थे लेकिन फूलन देवी ऊंची जाति के लोगों को ज्यादा टारगेट किया करती थी। 14 फरवरी 1981 का दिन था जब बेहमई गांव में एक राजपूत परिवार में शादी थी। तब फूलन देवी का गैंग इस गांव में पुलिस की वर्दी में हमला कर देता है। फूलन देवी के साथ इस गांव में जो घटना घटी थी उसके ठीक 7 महीने बाद अपना बदला पूरा करने के लिए फूलन देवी यहां आई। उसने श्री राम और लाला राम के साथ उन तमाम लोगों की तलाश शुरू की जो इस कांड में उनके साथ थे मगर गांव में उनमें से कोई नहीं मिला। केवल 2 लोग ही फूलन देवी के पकड़ में आए थे।
इसके बाद फूलन देवी ने शादी में आए दूसरे राजपूत मर्दों को पकड़ा और गांव के चौराहे पर उन सभी को एक लाइन में खड़ा किया। शुरुआत फूलन देवी ने खुद की और उसके बाद उसके गैंग के दूसरे लोगों ने मिलकर 22 राजपूतों को मौत के घाट उतार दिया। इस घटना को अंजाम देने के बाद फूलन देवी और उसका गैंग सुरक्षित वापस चला गया, लेकिन इसके बाद से पूरे देश में फूलन देवी का नाम घर घर लिया जाने लगा। बेमई हत्याकांड में फूलन देवी को दस्यु सुंदरी के तौर फेमस कर दिया गया। मीडिया ने फूलन देवी को बैंडिट क्वीन का नाम दे दिया। उस समय दिल्ली में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के पद पर थी और यूपी में वीपी सिंह मुख्यमंत्री के तौर पर थे। इस घटना के बाद मुख्यमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। स्टेट की पुलिस फूलन देवी की तलाश करने लगी, लेकिन वह पकड़ में नहीं आ रही थी। मध्य प्रदेश के भिंड जिले से एसपी राजेंद्र चतुर्वेदी अपने सूत्रों के जरिए फूलन देवी के संपर्क में थे और वह उसे सरेंडर कराने की कोशिश कर रहे थे। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पहल की कि बातचीत होनी चाहिए। फूलन देवी ने सरेंडर करने की इच्छा तो जताई, लेकिन अपने कुछ शर्तें रखी। उसने कहा कि वो महात्मा गांधी और दुर्गा माँ की प्रतिमा के सामने हथियार डालेगी, उसके गैंग के किसी भी सदस्य को 8 साल से ज्यादा जेल में नहीं रखेंगे और जेल से निकलने के बाद उन्हें जमीन या प्लॉट देंगे, जिसके आधार पर वह शराफत की जिंदगी जी सके। फूलन देवी के सरेंडर के समय उनका पूरा परिवार वहां मौजूद होगा। वह यूपी में नहीं बल्कि एमपी में सरेंडर करेंगी। ऐसी शर्तों के साथ बात सरकार तक पहुंची। सरकार मान गई और फरवरी 1982 को फूलन देवी ने अपने पूरे गैंग के साथ भिंड जिले में सरेंडर कर दिया। इसके बाद फूलन देवी को जेल ले जाएगा। आने वाले 11 सालों तक इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं हुई और फूलन देवी जेल में ही रह रही थी। साल 1994 में यूपी में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी। उन्होंने फूलन देवी पर दर्ज तमाम मुकदमे वापस ले लिए। कुल 48 मुकदमों को वापस लेने के बाद फूलन देवी एक आजाद नागरिक की तरह रहने लगी। इस दौरान फूलन देवी की जिंदगी पर एक फिल्म भी बनी, जिसे बैंडिट क्वीन नाम दिया गया। शेखर कपूर की बनाई गई ये फिल्म काफी हिट हुई, लेकिन इस फिल्म को बनाने से पहले फूलन देवी को पूछा भी नहीं गया था। साल 1995 में वो बौद्ध धर्म स्वीकार करते हुए उमेद सिंह नाम के व्यक्ति से शादी कर लेती है। साल 1996 में फूलन देवी ने समाजवादी पार्टी के टिकट पर मिर्जापुर सीट से चुनाव लड़ा और जीत कर लोकसभा पहुंची। इसके बाद साल 1998 में फिर लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन वहां से हार गई और साल 1999 में एक बार फिर मिर्जापुर सीट से लोकसभा चुनाव लड़ा और वहां से वो दूसरी बार जीत गई। 25 जुलाई 2001 को दिल्ली स्थित सरकारी आवास के सामने फूलन देवी को गोली मार कर उसकी हत्या कर दी गई। इस घटना के 2 दिन बाद आरोपी शेर सिंह राणा ने देहरादून में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, यानी कि अपना गुनाह स्वीकार कर लिया। इस हत्या को अंजाम देने का जो कारण सामने आया वो बेहद चौंका देने वाला था। पुलिस के मुताबिक शेर सिंह राणा ने बेमई हत्याकांड में मारे गए 22 राजपूतों की हत्या का बदला लेने के लिए फूलन देवी को जान से मार डाला। इस प्रकार फूलन देवी उस गोली का शिकार हुई जिस गोली से उसे शिकार करने की आदत थी, जिस गोली को अपनी बंदूक में रखकर उसने अपने ऊपर हुए अत्याचार का बदला पूरा किया। तो ये थी फूलन देवी की पूरी कहानी। दोस्तों, आपको फूलन देवी की कहानी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना न भूले। ऐसे ही और फैक्ट वीडियो को देखने के लिए फॉलो करें हमारे पेज को और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, जिसकी लिंक हमने नीचे कमेंट सेक्शन में दी है। धन्यवाद।